पावर वायरिंग ईडीडी सेकेंड का जो पावर वायरिंग चैप्टर है उसमें जो आपका सेकेंड स्टेप था, हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप की बात की थी, धारा की गणना कैसे करते हैं। सेकेंड जो होगा जो नेक्स्ट था वो है शक्ति तार स्थापन का योजना आरेख और योजना आरेख का एक रेखीय क्षेत्र। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं शक्ति तार स्थापन का आयोजना प्लान, जो तीसरा स्टेप था। चूँकि हम लोगों ने इसके पहले धारा की गणना कर ली थी, ठीक है, किस प्रकार धारा करना गणना करते हैं, पहले स्टेप में हमने पूर्वानुमान किया था, सेकंड स्टेप में धारा की गणना, और थर्ड स्टेप है आप लोगों का ये शक्ति तार स्थापन का योजना आरेख, ठीक है, प्लान इसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इस योजना आरेख में क्या है, जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन में दिया रखा है, जो क्वेश्चन का प्लान था वो ये था। ठीक है, ये क्वेश्चन का प्लान था, इसमें 5 KV का मोटर, 1 HP की मोटर, 10 HP की मोटर तीनों रखी गई हैं, और यहाँ पर क्या है एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का सिंबल बनाया गया है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की स्थापना यहाँ से हुई है। बाकी जो जिसका जिसका जितना डिस्टेंस दे रखा है वही डिस्टेंस हम भी वहाँ पर रखेंगे, यानी कि क्वेश्चन में ही डिस्टेंस दे रखी थी। ठीक है, इधर से 2 मीटर, इधर से 3 मीटर, ठीक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी नहीं दे रखी है, केवल यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी दे रखी है, मतलब ऊपर से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की दूरी 2.5 और 0.5। चलिए हम लोग इसमें करते हैं जो प्लान है हमारा, उसमें देखिए जैसे क्वेश्चन में दिया था 2 मीटर हमने यहाँ से छोड़ा, तो 2 मीटर के डिस्टेंस हमने यहाँ से छोड़ दिया है, इधर से 3 मीटर छोड़ा गया था, ठीक है, क्वेश्चन में, तो 3 मीटर यहाँ से और 3 मीटर के डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस उसमें दिखाई दी थी क्वेश्चन में, वैसे डिस्टेंस हमने यहाँ पे रख दी। ठीक है, अब जो हमारा 2.5 मीटर की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की थी, ठीक है, तो इतने जो भी डिस्टेंस हमारी दे रखी थी उस हिसाब से हमने इसको दिखाया है। अब यहाँ देखिए जो हमने एक ये जो डिस्टेंस है, यानी जो 5 KV का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये इस साइड से यहाँ से, अब जो हमने 5 KV ट्रांसफार्मर लगाया है इसकी डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी हमें मिली है, यहाँ से यहाँ हमने 1 मीटर लिए, ठीक है, इधर दिखाया हमने, ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना हमने ली है, 1 मीटर। देखिए क्वेश्चन में जो था ये देखिए 1 मीटर डिस्टेंस हमने कहाँ लिए, यहाँ से और इस मोटर का जहाँ पे स्थापना हुआ वहाँ के बीच की दूरी कितना ली हमने, 1 मीटर की दूरी ली, ठीक है, यानी कि जो मोटर लगी हुई है इस दीवार से यहाँ नीचे 1 मीटर के नीचे आने के बाद यहाँ पे लगा गया। ठीक है, देखिए इसे क्वेश्चन में दिया था ना कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो दे रखी थी 1 मीटर और यहाँ से यहाँ के 2.5 मीटर, ठीक है, तो यही यहाँ पर डिस्टेंस दिखाया गया, जो 1 मीटर का डिस्टेंस है वो क्या है, इस दीवार से, यानी कि जो हमारा ये मशीन SP जो मोटर लगी हुई है 10 HP की, 1 HP की, 5 KV जो मोटर लगी हुई वो क्या है, 1 मीटर छोड़ करके लगी हुई नीचे, ठीक है, और इस साइड से अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो इस साइड से 2 मीटर की छोड़ के लगी हुई है यहाँ मोटर, ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, तीनों मोटर को यहाँ लगा दिया। अब देखिए और जो ये 5 KV का है, 1 HP का, 10 HP का जो मोटर है, यहाँ पे हमने एक GIS 10 के माध्यम से, GIS 10 की सहायता से क्या क्या इसको यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया हुआ है इसका, ठीक है, ये क्या है, GIS 10 है, ठीक है, GIS 10 का काम क्या होता है, ये कटआउट और जो मोटर की स्विच होती हैं, जो GIS 10 होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मोटर स्टैंड GIS 10 पे जो हमारा GIS 10 है जहाँ से हम इसको इंस्टॉल किए हैं, लगाए हुए हैं, ये कटआउट और जो मोटर की स्विच होती है वहाँ पे इसको लगा दिया जाता है, ठीक है, इस पर जो है कटआउट और मोटर की स्विच को लगा दिया जाता है, ठीक है, GIS 10 पर, इस माध्यम से क्या करेंगे हम यहाँ पे एक मोटर को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी एक GIS 10 के माध्यम से इसको 1 HP के मोटर को इंस्टॉल किया गया है, यहाँ पर भी, ठीक है, एक GIS 10 के माध्यम से 10 HP के मोटर को इंस्टॉल किया गया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जैसा कि आप लोगों के प्लान में, क्वेश्चन के प्लान में दिया था डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक है, उसी जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा देंगे। अब देखिए कि ये सब चीज़ें जो हैं हमने दिखाया आप लोगों को, चूँकि ये 3 फेज है, ठीक है, क्या है ये 3 फेज मोटर है, तो एक फेज में कितने तार जाएंगे, 3 जाएंगे, RYB फेज, यानी कि एक जो हमारी एक सर्किट गई इसमें कितने होंगे, 3 फेज होंगे, 3 तार होंगे, इसमें भी 3 तार, इसमें भी 3 तार, RYB फेज जा रहा है ना, 3 फेज मोटर हमारे पास है, यानी कि ये जो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जो निकल के आ रही सर्किट, इसमें कितने तार होंगे, 3 तार होंगे RYB, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से निकल रही सर्किट 1 HP के लिए, तो इसके लिए कितने तार होंगे, 3 तार होंगे RYB, ठीक है, इसके लिए भी वैसे ही 3 तार होंगे RYB, यानी कि हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से एक एक सर्किट निकालेंगे जिसमें 3-3 तार होंगे, इन सभी तीनों जो हमारे पास मोटर है उसको क्या करेंगे हम कनेक्शन दे देंगे यहाँ से, ठीक है, GIS 10 के माध्यम से कनेक्शन दे देते हैं। अब देखिए जो इस प्रकार से क्या किया हमने, एक आप लोगों को कनेक्शन देखा, मल्टीलाइन डायग्राम इसका दिखा दिया गया कि किस प्रकार से हम तारों का कनेक्शन किए हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हर एक मोटर को, ठीक है, ये आप लोगों का दरवाज़ा यहाँ पे था जैसा कि क्वेश्चन में था उसी हिसाब से हमने यहाँ पे दे दिया, तो इसको समझने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो नहीं रही होगी आप लोगों को, तो देखिए सिंपल सा है ये कि किस प्रकार से इसको कनेक्शन दिया गया है। अब हम इसकी बात कर लेंगे सिंगल लाइन डायग्राम की, ठीक है, जो ये मोटर हमारे पावर वायरिंग का जो ये कनेक्शन दिया गया है मल्टी लाइन डायग्राम जो है, इसके बाद हम बात करेंगे पावर वायरिंग की, ठीक है, तो पावर वायरिंग की बात करेंगे तो उसमें सिंगल लाइन डायग्राम की बात करेंगे, ठीक है, पावर वायरिंग के सिंगल लाइन डायग्राम की बात करेंगे।
ये रहा मल्टी लाइन डायग्राम। तो सिंगल लाइन डायग्राम हम क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, जो तीन तार निकला यहाँ पे एक तार निकलेगा, ठीक है, एक तार निकलेगा, एक तार हम कितनी बार दिखाएंगे यहाँ पे, तो टोटल अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज जो वायर निकल रहे हैं टोटल वायर कितने निकल जाएंगे, क्योंकि एक सर्किट में तीन फेज जा रहे हैं मतलब आर वाई भी तीन, इसमें भी तीन, इसमें भी तीन, टोटल कितने वायर निकलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज से, नौ वायर निकलेंगे, ठीक है ना। तो यही सब लोग देखेंगे अब जो सिंगल लाइन डायग्राम है उसको। तो ये है आप लोगों का आयोजना का एक रेखीय चित्र, ठीक है, उसी का। तो इसमें देखिए जैसा जैसा वहाँ पे डिस्टेंस दिखाएगा तो उसी डिस्टेंस से हमने सब चीज़ों को रखा है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जो ये 5 KVA का जो ट्रांसफार्मर है, 5 KVA का, 1 HP का मोटर और 10 HP के मोटर को, ठीक है, इनको हमने कनेक्शन दिया है। एक जो हमारा ये GI स्टैंड था, ठीक है, GI स्टैंड के बाद मेन स्विच बोर्ड रहेगा, मेन स्विच बोर्ड से हम क्या करेंगे 10 HP के मोटर कनेक्ट किया यहाँ से, ठीक है। यहाँ ये क्या है, स्टार और डेल्टा, स्टार डेल्टा स्टार्टर है यहाँ पे, ठीक है, ये है स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, और ये है मेन स्विच बोर्ड 5 KVA का और 1 HP का मोटर, ये है मेन स्विच, ठीक है। हर एक जो मोटर को हम जो सप्लाई देंगे एक मेन स्विच के साथ देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से कितने बार निकलेंगे, हमारे 9 बार निकलेंगे, क्योंकि जैसा कि हमारा मल्टी लाइन डायग्राम था उस हिसाब से यहाँ देखें हम, तो 9 हमारे यहाँ से बाहर निकले। यहाँ से हम क्या किया, एक 10 HP का जो मोटर हमारा है, यहाँ पे 10 HP का मोटर था, उसी 10 HP के मोटर को हमने क्या किया यहाँ पे दिखाया, ठीक है। 10 HP का मोटर हमारा है, एक मेन स्विच बोर्ड के साथ 10 HP के मोटर को लगा देंगे और स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ, ठीक है। चूँकि हमारी ये 3 फेज की मोटर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा करके इसका करेंगे, इसको हम कनेक्शन दे देंगे। अब सेम जो हमारा ये आया है, यानी कि यहाँ से 9 फेज निकले, 9 तार यहाँ से निकलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, हर एक के लिए क्या, तीन तीन, इसके लिए तीन, इसके लिए तीन, इसके लिए तीन, टोटल कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। 9 में से 3 क्या जाएगा, इसके लिए जाएगा, जो हमारा 10 HP का मोटर है उसके लिए 9 ये जाएगा, 10 HP के मोटर के लिए 3 तार जाएंगे, और यहीं से क्या करेंगे, 3 तार हमारे इसके लिए जाएंगे और 3 तार इसके लिए, ठीक है। यहाँ देखिए जब हम 3 तार यहाँ लगा देते हैं, 3 तार इसको हम भेज देते हैं, तो 3 तार के बाद हमारे पास कितने तार बचेंगे, 6 तार बचेंगे। अब 6 तार को हमने क्या किया, आगे ले गए हम, 6 तार यहाँ ले गए, यहाँ भी 6 ही तार होगा। अब 6 में से 3 तार यहाँ जाएगा और 3 तार इसके लिए आ जाएगा। तो सिंपल सा है, हर एक जो हमारे पास मोटर है उन सभी के पास हमारे पास क्या, जो वायरों की संख्या है वो कितनी कितनी है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। इसके पहले जो हमने लाइट फैंस सर्किट में जो वायरों की संख्या दिखाई थी उसको भी आप लोग देखिएगा, उसी हिसाब से यहाँ पर भी हम क्या किए, हर एक जो कंड्यूटर कितने कितने बार निकले हैं उसको यहाँ पे दिखा दिया गया है। तो यहाँ जो डिस्टेंस भी है, हमने डिस्टेंस भी साफ सेम सेम ऐसे रख दी, जहाँ जितना डिस्टेंस था, जैसे प्लान में डिस्टेंस दिखाया गया था आप लोग का, ये डिस्टेंस यहाँ कितना है, देखिए जो 5 KVA का मोटर है, मेन स्विच बोर्ड से मोटर की दूरी कितनी है, 0.5 मीटर लेते हैं, ठीक है। मेन स्विच से मोटर के 5 KVA के ट्रांसफार्मर के बीच की दूरी कितनी है, 0.5 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक इस दीवार से और यहाँ जो मेन स्विच बोर्ड है उसकी डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ भी है, 1 मीटर की डिस्टेंस है, और देखिए 2.5 है हमारा डिस्टेंस था, जैसे क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है। इस मेन स्विच बोर्ड से और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बीच की दूरी कितनी थी, 2.5, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 0.5 मीटर की ऊंचाई पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया गया है, और इसकी लंबाई देखिए 1 मीटर की होगी यहाँ से मेन स्विच बोर्ड की, ठीक है। यहाँ से 0.5 मीटर होगा जो ये मोटर लगी है, जैसे कि जो ये है 5 KVA का मोटर जो लगा हुआ है, 5 KVA का जो ट्रांसफार्मर यहाँ लगा हुआ है, वो मेन स्विच बोर्ड से कितना है, 0.5 है। तो ये भी देखिए मेन स्विच बोर्ड से मोटर कितनी दूरी कितनी होगी, 0.5 होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम सभी का कनेक्शन कर लेते हैं पावर वायरिंग में, हर एक मोटर का, ठीक। तो अब इसका जो हम वाहक नली व चालक तार की लंबाई भी इसका भी निकालेंगे, ठीक है। तो वाहक नली व चालक तार की लंबाई कैसे निकालते हैं, केबल की संख्या निकालते हैं, वाहक नली की माप जो होती है कितनी कितनी माप की होगी, ठीक है। उसी प्रकार जैसे हम फैंस लाइट फैंस सर्किट में निकाल लेते हैं, वैसे इसका क्या करेंगे हम, हमें कितनी तार है ये मिल गए, जितनी जितनी तार जिस सर्किट में कितनी कितनी तार है, कितनी डिस्टेंस पर है, उस डिस्टेंस के साथ क्या करेंगे हम, चालक की लंबाई निकाल लेते हैं, टोटल कंडक्ट और टोटल कंडक्ट हमारा यहाँ से क्या होगा, निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम करेंगे वाहक नली व चालक तार की लंबाई निकालेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास जो टोटल लागत आएगी, जो कॉस्टिंग आएगा, वो भी हमें उसके सहायता से, जो भी यहाँ मोटर वगैरह लगे हैं इसके सहायता से, जिसमें इसके स्पेसिफिकेशन में जो भी कॉस्ट आएगा, उन सभी का कॉस्ट को लेते हुए क्या करेंगे, आकलन कर लेंगे, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल होता है पावर वायरिंग जो होती है, वो लाइट फैन सर्किट से सिंपल होती है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो इसको आप लोग बाय स्टेप इसे याद रखिए कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो 30 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जैसे कि अगर लाइट फैन का पूछा तो लाइट फैन का 30 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, और पावर वायरिंग का भी अकेला एक 30 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन जिससे लाइट फैन सर्किट के लिए था, वैसे ये पावर वायरिंग के लिए भी है एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का ये भी 30 नंबर में पूछ सकते हैं, या तो दोनों को मिला करके भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन क्या करेंगे हम, सॉल्व करेंगे बाय स्टेप, ठीक है ना। तो इसे आप लोग एक बार
उसको रिहर्स रिवाइज कीजिएगा, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप जो भी है स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को करेंगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग की पावर वायरिंग ख़त्म हो जाती है, और नेक्स्ट टॉपिक की बात अगले वीडियो में करेंगे।